वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। और फिलहाल तो कल का वीडियो जो है अभी अपलोड करना है आज के लिए। ये वाला वीडियो तो कल आएगा, तो पहले वीडियो अपलोड कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं आगे कौन सा क्या करते हैं पूरे दिन। तो फिलहाल तो वीडियो हमने अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप लोग जाके देख लो। वीडियो आ गई है कल वाली वीडियो, जिसमें तुम्हारे भाई ने सेकेंड टाइम ड्राइविंग की थी, वो वाली वीडियो। हेलो जी भाई, अभी देखो खाना वाना खा लिया, अभी फ्री हो गए हैं। कितने बज रहे हैं अभी? अभी 12:30 बज रहे हैं और हमने खाना वाना खा के हम फ्री हो गए हैं। अभी हमारे पास कुछ करने को नहीं था, तो अभी एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे एक दोस्त का मुझे कॉल आया और उसने मुझे बोला, भाई मैंने तुझे दो थंबनेल भेजी है, उसका मुझे फ़ोटो बना के भेज, उसने मुझे दो फोटो भेजी है, उसका थंबनेल मुझे उसको बना के भेजना है। तो लेट्स सी कि क्या बनाना है, एक्चुअली क्या फ़ोटो आइए देखते हैं। भाई ने दोनों ही पोर्ट्रेट फोटो भेजी, अब मैं कैसे बनाऊंगा? रुको कुछ सीन मारते हैं। हम प्रोफेशनल थंबनेल डिजाइनर हैं, हम प्रोफेशनल। यूं थंबनेल बना लेते हैं, यूं तो हमारे व्लॉग की मैं ऐसी थंबनेल बनाता हूँ, बाकी हम थंबनेल गेमिंग थंबनेल बनाने अब हाँ। तो मैंने उसकी वीडियो के लिए थंबनेल में कुछ ऐसा सोचा है, वाइट बैकग्राउंड के ऊपर हम उसकी दोनों फोटोज को लेंगे साइड बाय साइड और बीच में हम लिख देंगे कि माय फादर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड, और इसमें टेस्ट फादर और कोविड को इसलिए हाईलाइट किया ताकि कोई भी पढ़े तो फादर और कोविड मतलब समझ जाए कि जिसमें इनके पिताश्री हैं उनको कोविड जो है पॉजिटिव है। ठीक है, इस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, वो खुद वीडियो बनाएंगे, उसमें आप जाके देख लीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि उसको मेरी कोई बात से हर्ट हो जाए, तो मैं नहीं बोल रहा कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़े कोरोना के PNGs लेंगे और आजू बाजू यहाँ यहाँ लगा देंगे। तो ऑलरेडी अगर आपने मेरी वीडियो देखी है कोरोना वाली, तो उसमें तुम्हारे भाई ने डाउनलोड करके ही रखी थी, अब मिल जानी चाहिए बस। इसके बाद की हाँ मिल गई, कोरोना वायरस PNG। तो एक्चुअली ये है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे ऑनलाइन मिल रही थी कि मुझ पे कोई जुल्म नहीं डालेगा। तो इसको भी हम कैसे आजू बाजू लगाएंगे, छोटा वोटा करो। ये कुछ ऐसी थंबनेल तैयार हो गई है, बहुत अच्छी लग रही। ठीक है, सिंपल व्लॉगिंग थंबनेल ऐसी ही होती है, जज मत करो। एक्सपोर्ट कर दें इसे, इसे एक्सपोर्ट कर दिया। तुम्हारे भाई ने क्या थंबनेल बनाया है, एक्सपोर्ट। इसको नाम देते हैं कोरोना थंबनेल। ठीक है, इसे हम सेव नहीं करते भाई, हम थंबनेल सेव नहीं करते, क्लोज कर लेते हैं। अब जो पार्ट है मैं आपको दिखाता हूँ उसको, हम मैं उसको सेंड कर लेता हूँ फटाफट, फिर मिलते हैं आगे। हेलो जी, अभी कुछ कहानियाँ हैं जो आपको आज मुझे सुनानी है, मैं आपको कुछ कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। वहाँ पीछे जो बैठे हैं उनको इग्नोर करें, वो कुछ मेहमान आ गए वीडियो बनाने के टाइम में। कोई नहीं, हमें कुछ कहानियाँ हैं जो आपको शेयर करनी है हमें, तो वही शेयर कर रहा हूँ मैं आज आपको। बात ऐसी है कि आज से आज आठवां ब्लॉग आ गया, मतलब आज से 6 दिन पहले जब मैंने हमारा दूसरा ब्लॉग अपलोड किया था कोरोना रेड जोन में मैं हूँ वो वाला, उसके बाद भी मैं बहुत सारी बार बाहर गया हूँ, जिसकी वजह से मतलब मेरे फ्रेंड्स और उन्होंने मुझे मैसेज करके बोला था कि भाई तू रेड जोन में है, तू बाहर जा रहा है, फैमिली के बारे में सोच एंड ऑल। तो मैं सिर्फ एक ही दिन के लिए बेफालतू घर के बाहर गया था, बाकी हम घर में ही थे। और बाकी जो उसके बाद ब्लॉग्स हैं उसमें हम कुछ ना कुछ काम से ही बाहर गए थे, वो आपने ब्लॉग्स में देखा ही होगा। अगर अब तक आपने हमारे पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे तो आप लोगों को देख लेने चाहिए, क्योंकि हम कितने अच्छे ब्लॉगर हैं। एक्चुअली इतने अच्छे भी नहीं है, हम ब्लॉगिंग सीख रहे हैं, मैं पर्सनली एडिटिंग सीख रहा हूँ, और अभी मुझे इतनी एडिटिंग नहीं आती, मैं कैमरे के सामने बोल लेता हूँ, मेरे पास अभी इतना कंटेंट नहीं है आपको दिखाने के लिए। तो जितना भी मैं दिखा सकता हूँ मैं उतना कवर करके दिखाता हूँ। फुल टाइम होम ब्लॉगिंग मेरे से होती तो है, बट हमारे घर की जो सोच है वो पुरानी सोच है, एक्चुअली मेरे घर की यानी कि मेरे मम्मी पापा की नहीं है, मेरे दादा दादी जिनके साथ अभी मैं फ़िलहाल करंट हूँ, तो उनकी सोच ऐसी है कि घर की चीज़ें इंटरनेट पे सब लोगों को नहीं दिखाई जाती, ये बुरी बात होती है। तो रीज़न मुझे भी पता है, रीज़न आपको भी पता है, वो क्यों बना करते हैं वो, कि क्या कुछ क्या पता कुछ किसी को हो जाए, तो हम तो वो सब मैं मानते नहीं, बट वो मानते हैं, इसलिए मैं घर की फुटेजेस नहीं दिखा पाता हूँ।
और दूसरी बात मुझे ये करनी थी कि अच्छा तुम्हारे भाई ने जो है किताब पढ़नी शुरू की, एक्चुअली आज से नहीं 2-3 दिन से पढ़ रहा हूँ, आज एक किताब, तो उसी किताब में मैंने एक मस्त से स्टोरी पढ़ी। एक बंदा होता है, एक उस बंदे ने अपने 18 उसूल दिए कि वो इस कदर लाइफ जीता और उसकी लाइफ इस वजह से सक्सेसफुल है, तो वो मुझे बहुत पर्सनली मुझे अच्छे लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ उन सब चीज़ों को। तो उसने कुछ उसूल दिए, जैसे उसमें से एक उसूल है, नंबर 1 पे एक उसूल है कि आपको, मतलब मुझे 18 के 18 लाइन में नहीं पता बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, आपको नेगेटिव लोगों से और आपके हेटर्स या फिर जिनकी सोच छोटी है, जो लोग छोटे दिमाग वाले हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। दूसरी ये चीज़ है कि आपको कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी प्रेजेंट करें, मतलब आपकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वही प्रेजेंट करें, ठीक है। फिर तीसरी बात ये होती है कि अगर किसी इंसान ने अपना 100% दिया है किसी काम में और वो नहीं कर पाता वो काम, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए उसके ट्राई के लिए, ना कि उसको आपको ऐसा बोलना चाहिए भाई तुझ में ये कमी है, ये तू अब उसकी बुराइयाँ नहीं करनी चाहिए और उसकी कमियाँ नहीं निकालनी चाहिए। फिर नंबर 4 पे बात आती है, जब कोई इंसान एक ग्रुप में बैठा हो तो आपको, मतलब काफ़ी जगह पे ऐसा होता है आजकल के लेटेस्ट ज़माने के हिसाब से, अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कहीं घूमने खाने पीने जाते, जो कि 2 साल से तो नहीं गए बट अगर जाते थे या जाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, सब फ़ोन लेके बैठ जाते। तो वो बंदे ने उस किताब में बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, एक्चुअली पुरानी किताब है, तो उसमें ऐसा लिखा गया है कि जब आप लोग ग्रुप में कहीं बाहर जाए किसी के साथ, सारे बंदर चले गए, मैं क्या बंदर देख रहा था, एक्चुअली उसने ऐसा लिखा है ग्रुप में कि जब आप अपने ग्रुप के साथ बाहर जाए तो आप लोगों को अपना जो सामान है, आपका जो सॉरी सामान नहीं, आपके न्यूज़पेपर है या फिर आपको कोई बुक रीड नहीं करनी चाहिए, आपको ग्रुप मेंबर्स को टाइम देना चाहिए, वहाँ क्या मीटिंग हो रही है वो सब चीज़ों में टाइम देना चाहिए, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, आगे तो भाई छत पे बड़ी गर्मी हो रखी है, ठीक है। फिर कौन सी तीसरी या चौथी चीज़ बताई मैंने, ठीक है, मुझे नहीं पता, आप गिनते रहना, 18 हो जाए तो ठीक है, वरना बाकी की मैं अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। और एक चीज़ उसने ऐसी बताई थी कि कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए उसके काम, उसकी लैंग्वेज या उस सब चीज़ों के ऊपर से। फिर तो उसने और भी कुछ बताया था, थोड़ा याद कर लें दो यार तुम्हारे भाई को, और तो याद आ नहीं रहा क्योंकि जस्ट वो पोर्शन मैंने शायद कल या परसों पढ़ा था जिसकी बात मैं आज करने वाला था। एक्चुअली मैं रिवाइज भी कर सकता था वीडियो अच्छा बने इसलिए, बट तुम्हारे भाई ने ओरिजिनली जितनी उसको याद थी, जितनी मुझे अच्छी लगी, मैं वही बताई है, ठीक है। आई एम सॉरी मैंने बताई 18 थी, एक्चुअली मुझे याद है कि 18 थी, उसमें से मैं कुछ याद रख पाया, ठीक है, पर वो भी कोई बुरी बात नहीं होती है। और आई नो मेरी स्टार्टिंग की वीडियोज़ है वो बहुत बोरिंग आती है, एक्चुअली ये हमारा टॉपिक नहीं है, बट मैं यहाँ इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि हमारी जो है वीडियोज़ की क्वालिटी जो है थोड़ी थोड़ी ख़राब होती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि मुझे एडिटिंग करने में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। मैं नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ और वो जो मैं सीख रहा हूँ वो है सब प्रीमियर प्रो एक एप्लीकेशन है, आपको पता होगा अगर आप वीडियो एडिटर है, तो उसमें सीख रहा हूँ। और मैं थोड़ी बहुत और चीज़ें सीख रहा हूँ जिससे मैं इस एज में थोड़ी बहुत पैसे कमा सकूँ, वो सब चीज़ें सीख रहा हूँ। बट अभी क्या लॉकडाउन और कोरोना की वजह से वो सब सीन हो नहीं पा रहे, तो वो इसीलिए एक्चुअली मैं इंप्लीमेंट नहीं कर रहा अपनी लाइफ में। मैंने बहुत कुछ सीखा है मैंने अपनी लाइफ में, और उसमें से अभी भी मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। मैं एक्चुअली अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, और एक्चुअली मुझे आज 10 डेज हो गए हैं, एक्चुअली 2 दिन वीडियो नहीं आई थी, आपको नहीं पता होगा कि आप यार हम कहाँ बड़े इंसान हैं जो आप हमें देखोगे, 2 दिन एक्चुअली वीडियोज़ नहीं आई थी, तो एक्चुअली 10 दिन हो गए हमें सोशल मीडिया बंद किए हुए, और मेरे पास प्रोडक्टिव टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया एंटरटेन के, मतलब मैं काम बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ आराम और टाइम पास के सिवाय, तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। आज मेरे दोस्त का कॉल आया था मुझे कि भाई आजा पबजी खेलते हैं, पता नहीं मेरे मन ने अपने आप ही मना कर दिया, मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने वो नहीं बोला भाई ऐसा है वैसा है, मैंने बोला भाई पबजी चलेगी नहीं, सोशल मीडिया डिलीट है, फेसबुक डिलीट है, तो उसने बोला नहीं खुल रही, मैंने बोला भाई नहीं खुल रही, तो मैंने बोला नहीं, तो उसने बोला ट्राई तो कर, मैं बोला नहीं खेलनी भाई मुझे, ऐसे मुझे ऐसा लगा नहीं उसको क्या, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, बट मुझे नहीं मन हुआ खेलने का तो मैंने उसको मना कर दिया। तो आपको भी एटलीस्ट 5 दिन के लिए भी ट्राई करना चाहिए आपको सोशल मीडिया डिटॉक्स, अच्छा रहेगा आपके लिए। मैंने मेरा प्रोडक्टिव टाइम बढ़ा लिया है, मैं 2-4 दिन पहले, मैं जब सीख रहा हूँ ये सब यूट्यूब और वो सब देख के सीख रहा हूँ, ठीक है, मेरा एवरेज स्क्रीन ऑन टाइम जो है मेरा वो 3 आवर्स के हो गया, 6-7 आवर्स की जगह पे 3 आवर्स हो गया है, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं या तो वीडियो टॉपिक्स ढूंढता हूँ या यूट्यूब पे कुछ सीखता रहता हूँ,
यार नए नए वीडियोस जो मतलब फ्री कहीं पे ऐसी एडिटिंग की फ्री क्लिप्स मिलती है तो एडिटिंग सीखता रहता हूँ। तो मतलब मैं स्किल्स बढ़ा रहा हूँ अपने और बस यही सब कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट मैं अपना नहीं कर रहा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। और फिलहाल गर्मी हो रही है, हम चलते हैं। दिस इज़ विनीत परमार साइनिंग आउट फ्रॉम विनीत व्लॉगर, टेक केयर।